संस्था की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ हुई कि समाज में सामाजिक और धार्मिक एकता बनी रहे। जिस प्रकार से कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए समाज में झगड़े दंगे फैलाते हैं, वो ना फैला सके इसीलिए खोज प्रयत्नशील है। पिछले कई सालों से बहुत से स्कूलों में हमारा काम चल रहा है। यह जानकारी आपको विस्तार से देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीमती नूरजहां शेख। श्रीमती नूरजहां शेख मैडम शामिल हुए हैं। मैं ओ संस्था की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ और ये खुशी प्रकट करती हूँ कि आप हमारे साथ हमेशा हर साल इस तरह से बने रहते हैं, ये देख कर हमें बहुत खुशी होती है। आज का ये कार्यक्रम हम चाहेंगे जब तक समाप्त नहीं होता तब तक आप बने रहें हमारे साथ, ताकि आपको और भी डिटेल में हमारे बारे में जानकारी मिल सके। फिलहाल बहुत सारे पालक तो हमको जानते हैं, बहुत सारे वालदेन
हमसे परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि उस प्रकल्प की शुरुआत जो है वो क्यों हुई। आप सभी जानते हैं कि 92-93 में मुंबई में हिंदू मुसलमान के बीच में फसादात हुए थे। जब दंगे हुए उस वक्त बहुत सारे जान और माल का नुकसान हुआ था, और उस समय लोगों का ध्यान किसकी जान गई, किसकी दौलत लूट गई, किसका घर जल गया, इस तरफ था। लेकिन घर में जो मासूम बच्चे हैं, उन दंगों का, उन फसादात से बच्चों के जहन पे क्या असर हुआ, उसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस वक्त हमें लगा कि हमें उन बच्चों के साथ एक तालमेल बनाना चाहिए, एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि उन बच्चों के जहन में क्या चल रहा है। और हम आपको बताएं, जब हमने उनके साथ बातचीत की, तब हमें पता चला, चाहे बच्चा हिंदू था या मुसलमान था, सभी के दिमाग में एक सवाल था, दंगे क्यों, फसाद क्यों, ये दंगे कौन कराता है, ये फसाद कौन कराता है। और हमने जब उनके साथ बातचीत की, हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, उस वक्त हमने एक तय किया कि हम बच्चों के साथ में धर्म निरपेक्ष विचारधारा, गैर फिरका परस्ती, सेक्युलर एजुकेशन, ऐसे कुछ कार्य करें, ऐसा कुछ काम करें जिससे बच्चों के सारे सवालों का जवाब देने के साथ साथ एक अच्छा समाज, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक हम लोगों को बना सके। और हमारी डायरेक्टर है, हमारा जो अदारा है सबरंग ट्रस्ट, उसके अंदर कोर्स प्रोजेक्ट जो है वो काम करता है। 92-93 के दंगों के बाद सबरंग ट्रस्ट की जो डायरेक्टर है, सामाजिक कार्यकर्ता, जिसे आप बाखूबी जानते हैं, तीस्ता सेटलवार जी, इसने इसकी शुरुआत की। हमने 5वीं, 6वीं, 7वीं के बच्चों के लिए एक ऐसी निशान, ऐसा लेसन, ऐसा सबक तैयार किया जिसमें खेल, नाटक, कहानी और बातचीत के जरिए, मीडिया के जरिए ऐसी चीज बच्चों के साथ डिस्कस कर सके जो लोगों को लगता था कि बहुत बड़ा टॉपिक है और बच्चों के साथ बात करना इस टॉपिक पे बहुत मुश्किल है। हमने उसको एकदम आसान बना दिया। 40 से 45 मॉड्यूल हमारा है, 5वीं से 6वीं, 6वीं से 7वीं, ऐसे 3 साल हम बच्चों के साथ में ये प्रोजेक्ट लेते हैं। हमारे शिक्षक हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, और वो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ में हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार, 1 घंटे के लिए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से धर्म निरपेक्ष विचारधारा और मानव अधिकार, ये समझ बच्चों को देते हैं। और इसीलिए आज सब हमारे सामने आप लोग मौजूद हैं, क्योंकि हम आपके बच्चों के साथ लगातार कई सालों से काम करते आ रहे हैं। हम सिर्फ उर्दू मीडियम में नहीं हैं, हम हिंदी मीडियम में हैं, मराठी मीडियम में हैं, अंग्रेजी मीडियम में हैं, हम सभी मीडियम के बच्चों के साथ काम करते हैं ताकि हमें सब धर्म और जाति के बच्चे मिल सके, ताकि हम सभी को समझा सके कि आज समाज में एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमारे समाज को धर्म निरपेक्ष विचारधारा की जरूरत है। आज हमें धर्म के नाम पर आपस में बंटना नहीं है, एक होकर एक साथ इस देश में मिलकर रहना है, और हमारे जो अधिकार है, जो हमारे हक है, उसे हमें लेना है। और उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी जानकारी होना, उसकी मालूमात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। इसके लिए हम जो है पिछले कई सालों से 5वीं, 6वीं, 7वीं के बच्चों के साथ काम करते चले आ रहे थे। उस समय हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्कूल भी जुड़ गए जो प्राइवेट स्कूल है, जो गैर सरकारी है, और वहाँ पर उनके शिक्षक जो हैं सप्ताह में 2 पीरियड लेके हमारे करिकुलम धर्म निरपेक्ष विचारधारा का सिखा रहे हैं। उनके टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम हमारी संस्था करती है, और हमारी संस्था में ट्रेन किए गए शिक्षक सरकारी स्कूलों में जाकर कार्य कर रहे हैं। आज हम पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र लेवल पे काम कर रहे हैं, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड़, रत्नागिरी, शहादा, नंदुरबार, आप सब जैसे लोग हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को समझना चाहते हैं, उनके सहकारी, उनकी मदद से आज हम महाराष्ट्र के हर जगह में हैं। हम कौमी एकता पे काम करते हैं, इसके लिए हमने हर जिले में एक ऐसी कमेटी होना चाहिए, पीस कमेटी, अमन कमेटी, जो समय समय पे लोगों के बीच में एकता बनाए रखे, और जब भी दंगे हो, फसाद हो, तो उसको ज्यादा ना फैलने दे। उसके लिए भी
हमने काम किया है, हमारी पीस कमेटी के जरिए हम सोच रहे हैं कि इस तरह के दंगे फसादात ना हो और सामाजिक एकता जो है वो सब जगह बने रहे। हम पालकों के साथ में पालक सभा लेते हैं, यहाँ बहुत सारे पालक ऐसे हैं जो हमें जानते भी हैं। पालक सभा लेकर हम उन्हें अलग अलग तरीके की जानकारी देते हैं। आज जैसा कि आपने आज यहाँ पर बाहर रखे हुए स्टॉल्स देखे हैं, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको जो है उससे मिलेगी। हम आपसे निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जब यहाँ से आप उठे तो उस स्टॉल में भी जाकर देखें, क्योंकि वहाँ हर स्टॉल के अंदर आपके जानकारी के लिए, आपकी मालूमात के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, जिसमें जानकारी का अधिकार अधिनियम जो कानून है 2005 वो भी चीजें वहाँ पे मौजूद है। ऐसी बहुत सारी चीजों से ही हमने सफलता पाई है और हम चाहते हैं कि हर समय हम आपके सामने वो लेकर आते रहें। आपको पता ही होगा कि हम बच्चों को पिकनिक पे लेके जाते हैं, लेकिन पिकनिक म्यूजियम वगैरह नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, हम बच्चों को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं जहाँ पे हर धर्म इंसानियत सिखाता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता कि पत्थर मारो किसी को तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, किसी का खून निकालोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कोई धर्म नहीं सिखाता। इसलिए हम बच्चों को प्रैक्टिकल तौर पे ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पर वो हकीकत क्या है, उनके धर्मगुरु क्या कहते हैं। हर मजहब एक मानवतावादी सोच देता है, ये दिखाने के लिए फील्ड ट्रिप का आयोजन करते हैं। खार गांडा के बच्चे हमेशा हमारे साथ जाते हैं, ये भी हमारे काम का एक हिस्सा है। अभी आप हमने पांचवी छठी सातवीं के बच्चों को इसलिए चुना, आप जानते हैं कि बचपन बहुत मासूम होता है, बचपन जिसे एक आने वाले भविष्य की नींव रखी जाती है, बचपन जिसमें बच्चा वो जो सीखता है वो आगे जाके तय होता है कि वो कैसा नागरिक बनेगा। तो ऐसे बचपन में ऐसे मोड़ पर ये सोच देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमने पांचवी से सातवीं के बच्चों का चयन किया, उनका चुनाव किया कि ऐसे बच्चों के साथ अगर हम काम करते हैं, ये हमारे देश का भविष्य है और आगे जाकर ये बच्चे सामाजिक एकता को बढ़ा सकते हैं। आज हम मुट्ठी भर लोग सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है हमारे सिखाए हुए लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे जो है आगे जाते, जिस तरह से हम 20 साल से काम कर रहे हैं, हर साल हम 40,000 से 45,000 बच्चों के साथ काम करते हैं। इसमें से अगर 100 बच्चा भी सामाजिक क्षेत्र में काम करता है और किसी के दुख और दर्द को समझता है और कौमी एकता को बढ़ाता है, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। बहुत सारे और भी हमारे काम में, हम शिक्षकों के साथ काम करते हैं, पालकों के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, उसी तरह से अलग अलग प्रोग्राम करके हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का भी काम करते हैं। आज मानव अधिकार दिन के अवसर पर हम कोच की तरफ से आप सभी को मानव अधिकार दिन की बधाई देते हैं और आज यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होगा उसे उम्मीद करते हैं कि आप जरूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे और आपसे आशा रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता है यहाँ बैठेंगे और हमारे बच्चों को उससे हिम्मत और हमारे टीम को भी उससे हिम्मत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज 10 दिसंबर मानवाधिकार दिन, जब से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं यही सुन रहे हैं कि आज 10 दिसंबर मानवाधिकार दिन, आज 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन। लेकिन आज ही के दिन यानी 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार दिन क्यों, ये सवाल आपके सामने भी आया होगा। तो चलिए पूछते हैं अमन और शांति से। अमन बने हैं सिद्धार्थ डोलस और शांति बनी है सोनाली रोकड़े। तो पूछते हैं इन दोनों से कि क्या है मानव अधिकार दिन और इसे हमें क्यों मनाना चाहिए। सब तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, अमन और शांति। मानव अधिकार के दिन आप सभी का स्वागत है। हाय अमन। हाय शांति, तुम कैसे हो? हमें अच्छे हो, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए, कहीं बाहर गए थे क्या? अरे हाँ, मैं अपने परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए गया था।
अरे अमन देखो तो यहाँ कितने सारे लोग इकट्ठा बैठे हैं। अरे शांति तुम्हें पता नहीं आज कौन सा दिन है? नहीं तो मुझे नहीं पता आज कौन सा दिन है। अगर तुम्हें पता हो तो मुझे भी बताओ ना। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन दुनिया में सुख और शांति की नींव रखी गई थी। अरे अमन तुम पहेलियां मत बुझा, साफ साफ शब्दों में बताओ कि क्या हुआ था आज के दिन। आज 10 दिसंबर है यानी विश्व मानव अधिकार दिन। मानव अधिकार दिन ये क्या होता है? मानव अधिकार दिन इसका मतलब होता है इंसानों के हक, ये वो अधिकार है जो हमें अपने जन्म से ही प्राप्त होते। इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई ये मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ बताओ मैं सुन ही रही हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विजेता देशों ने मिलकर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जिसमें पूरे 50 देशों ने अधिकार पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं और युद्ध ना हो सके और देश के हर कोने में शांति हो सके। इस शांति को बहाल करने के लिए 1948 को सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की और ये घोषणा पूरे विश्व के लिए समान दर्जा रखती है। ओह तो आज के दिन की शुरुआत ऐसे की गई थी क्या? अब तो तुम जान गए हो ना आज क्या दिन है और इसका क्या महत्व है। हाँ मुझे पता चल गया, और भी कुछ बताओ ना इस दिन के बारे में। तो सुनो, हमें शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, हमें समानता यानी बराबरी का अधिकार है, हम अपने देश भारत के किसी हिस्से में जाकर वहाँ घर बनाकर रह सकते हैं, फिर चाहे वो मुंबई हो या वो उत्तर प्रदेश, और तो हमें अपनी भाषा में बात करने का भी अधिकार है, और जानते हो ये सारे अधिकार हमें संविधान ने दिए। अरे वाह ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई। आगे सुनो, हमें अपनी पसंद का नेता और सरकार चुनने का भी अधिकार है, हमें अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का भी अधिकार है, इतना नहीं तो हमें अपनी पसंद का रोजगार चुनकर अपनी आर्थिक प्रगति करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ है। वाह अमन भैया ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आज तो मेरा जी खुश हो गया। अब मैं इस जानकारी को गांव गांव में फैलाऊंगी ताकि समाज के लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सके और इस दिन को अच्छे से मना सके। अरे चांदी थोड़ा रुको तो सही, ये काम हम दोनों साथ मिलकर करेंगे ताकि देश में अमन और शांति रहे और सभी का जीवन सुखमय हो सके। आप भी हमारे साथ इस अभियान में जुड़ सकते हैं। आपको हमारी ओर से मानव अधिकार दिन की बधाई हो। बधाई। आज तो मुझे भी पता चल गया कि आज के दिन का क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है। धन्यवाद सोनाली और सिद्धार्थ। मानव अधिकार, अधिकारों के साथ हमारा कुछ कर्तव्य भी होता है, उसमें से सबसे बड़ा हमारा जो कर्तव्य है राष्ट्रीयता या राष्ट्रवादी या राष्ट्रभक्ति, अपने इस देश को अपने शब्दों में नहीं अपने गाने से सलाम करने आ रहे हैं परवेज अहमद, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने हैं तेरे मेरे बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन जीने का चलन जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन
मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जान मन जान मन जान मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कौन कौन अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन।